गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन करनी है मेडिसिन में। मेडिसिन में हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारे डिजीज हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम क्या है अपने हेल्थ केयर को में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो बहुत सारी थेरेप्टिक ड्रग्स हैं जो अलग अलग डिजीज को कंट्रोल करती हैं, दैट आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक प्रोटीन्स बोलते हैं कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से उन्हें बनाया है। तो अप्रॉक्सीमेट वो कितनी प्रोटीन्स हैं, 30 प्रोटीन्स हैं। उनमें से जो 12 प्रोटीन्स हैं हमारे इंडिया में भी मार्केट में प्रेजेंट हैं, जो अलग अलग डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इस सेक्शन में हम दो ऐसी थेरेप्टिक प्रोटीन्स की बात करेंगे या हम ड्रग्स की बात करें जो हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है टू क्योर वेरियस डिजीज। तो सबसे पहली है इंसुलिन। इंसुलिन वॉज द फर्स्ट थेरेप्टिक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस इन सम अदर होस्ट, किसी और होस्ट में प्रोड्यूस की गई थी। तो पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेडिसिन हम कह सकते हैं या थेरेप्टिक प्रोटीन कह सकते हैं, वो कौन है, इंसुलिन है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से पहले बच्चे हम जो इंसुलिन ऑप्टेन करते थे वो कहाँ से ऑप्टेन करते थे कि हम किसी और पर्सन से लेते थे, लेकिन उसमें क्या दिक्कत थी, किसी हम और पर्सन के लीवर सेल से एक्सट्रैक्ट करा और उनको दूसरे में इंसर्ट कर दिया। उस कंडीशन ऐसी चीज़ों में क्या प्रॉब्लम होती थी कि जो हम दूसरे पर्सन की इंसुलिन इंजेक्ट कराते हैं तो उससे क्या है रिजेक्शन होती थी। क्यों होती थी रिजेक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी उसको नॉन सेल समझती थी, एंटीजन्स की तरह काम करता था। जब हम किसी और पर्सन का इंसुलिन डालते थे तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती थी, तो उस इंसुलिन को रिजेक्ट कर दिया जाता था। फिर लार्ज, अब इतनी तरह के डायबिटिक पेशेंट्स हम देखते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट्स को क्योर करने के लिए जो चीज़ हमें अवेलेबल है वो सिर्फ क्या है, इंसुलिन है। इंसुलिन फिर कैसे ऑप्टेन करनी स्टार्ट कर दी हमने, क्या है, किसी और एनिमल से, जैसे हम कैटल से या पिग से, स्लॉटर हाउसेस जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है वहाँ से उनके लीवर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते थे और वहाँ से उनके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस निकाल लिए जाते थे, लीवर सेल्स निकाले जो पेंक्रियाज में, नॉट लिवर सेल्स, पेंक्रिया से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते थे और इंसुलिन इंजेक्ट कराया जाता था पर्सन में। लेकिन उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, कैटल्स किसी और एनिमल से आप जब इंसुलिन लेते हो तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज क्रिएट हो जाते थे क्योंकि उन प्रोटीन्स को, उस इंसुलिन को भी हमारी बॉडी क्या है, फॉरेन पार्टिकल समझती थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमने किसकी तरफ देखना शुरू कर दिया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन की तरफ देखना शुरू कर लिया कि क्यों ना हम इंसुलिन बनाने वाली जीन को आइसोलेट करें और बैक्टीरिया में ग्रो कराकर उसको कल्चर कराकर बायोरिएक्टर्स में, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से हम उसको क्लियर फॉर्म में क्यों ना ऑब्टेन कर लें, फिर हमें किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शंस की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप इंसुलिन बनाओगे तो वो चीज़ क्या है, इन सारी कंडीशन से आसान लगी क्योंकि वहाँ पर कोई किसी भी तरीके की रिजेक्शन नहीं होगी क्योंकि वो क्लियर्ड फॉर्म में प्रोटीन बनाई जाएगी। दूसरा, आप इंसुलिन का आपने देखा होगा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उसको ओरली नहीं लिया जाता, लिखा हुआ है थिंक अबाउट वेदर द इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड, क्या हम टैबलेट फॉर्म में इंसुलिन दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि इंसुलिन क्या है बच्चे, प्रोटीन से बनी हुई है। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन जैसे ही आप ओरली लोगे वो हमारे स्टमक में जाकर क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी क्योंकि स्टमक और इंटेस्टाइन में हमें हमारे प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में हमारी इंसुलिन पहुंचेगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए हम कभी भी इंसुलिन को ओरली नहीं लेते, उसको क्या है, इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियर जो इंसुलिन है वो कैसे बनाई गई।
उससे पहले हमें इंसुलिन का स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत है कि जो ह्यूमन इंसुलिन होता है, जो हमारे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस करते हैं पैंक्रियाज के, वो हमारे इंसुलिन को एक्टिव फॉर्म में नहीं सिंथेसाइज करता। वो कैसे सिंथेसाइज करता है? प्रो इंसुलिन की फॉर्म में सिंथेसाइज करता है। मतलब प्रो इंसुलिन में क्या है कि हमारी प्रोटीन तीन चेन से बनी हुई है, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रो इंसुलिन, क्योंकि ये काम करने लायक नहीं है। तो इसमें ये जो ब्लैक पोर्शन है बच्चे, जब ये रिमूव कर दिया जाएगा और ए और पी जो पेप्टाइड है इनको अटैच कर दिया जाएगा, इसको हम क्या है, मैच्योर इंसुलिन बोलते हैं। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हमारा किस फॉर्म में बना रहा है इंसुलिन? प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बना रहा है, क्योंकि जो इसको बनाने वाली जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट हैं, वो जीन क्या है, इस रूप में ही बनाती हैं। लेकिन फिर साइटोप्लाज्म में आकर ये क्या है, जितना भी प्रो इंसुलिन का सी पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा और सिर्फ ए और बी पेप्टाइड आपस में जुड़ जाएंगे। ये क्या कहलाती है? मैच्योर इंसुलिन। तो मैच्योर इंसुलिन में बच्चे कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 51 अमाइनो एसिड होते हैं, ये एक्टिव है। जबकि हमारे इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं? 84 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो 84 अमाइनो एसिड कंटेनिंग इंसुलिन इज नॉट एन एक्टिव इंसुलिन। तो जब तक 51 अमाइनो एसिड जिसमें पेप्टाइड ए और बी आपस में अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड मोल, दो दो सल्फर के बॉन्ड्स इसमें जुड़े हुए हैं, इसे हम बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये क्या है? मैच्योर इंसुलिन है, जिसमें ए जो पेप्टाइड है वो 21 अमाइनो एसिड से बना हुआ है और जो बी पेप्टाइड है वो 30 अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है? ये है। तो हम जब सी पेप्टाइड को हटा देंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा? मैच्योर इंसुलिन कहलाया जाएगा। तो मेन चैलेंज जो था इंसुलिन प्रोडक्शन में यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग द इंसुलिन असेंबल्ड इन मैच्योर फॉर्म, क्योंकि जो जीन हमें मिल रही है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, इट कंटेन द सी चेन के भी सिक्वेंसेज उसमें प्रेजेंट होंगे। तो 1983 में इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने ए चेन को और बी चेन को बिल्कुल अलग अलग तरीके से ई कोलाई में प्रोड्यूस कराया। प्रोड्यूस कराने के बाद उसको अटैच कराया और फिर आपको क्या मिल जाएगी? मैच्योर इंसुलिन मिल जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो अमेरिकन कंपनी है उन्होंने कैसे ग्रो कराया था। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि प्रो इंसुलिन की फॉर्म में हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, लेकिन जैसे ही ए और बी पेप्टाइड आपस में जुड़ जाते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैच्योर इंसुलिन। कैसे जुड़े हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, और सी पेप्टाइड क्या है, निकल गया। तो ये जहां पर ए पेप्टाइड कंटेनिंग 21 अमाइनो एसिड इज अटैच टू द बी पेप्टाइड कंटेनिंग 30 अमाइनो एसिड आर ज्वाइंड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो दैट इंसुलिन इज कॉल्ड दी मैच्योर इंसुलिन, या हम कहेंगे उसको फंक्शनल इंसुलिन। तो इसको हमें करने के लिए क्या चाहिए? हम क्या करेंगे? पैंक्रियास, ह्यूमन पैंक्रियास से सेल्स को आइसोलेट करेंगे, उसके डीएनए से हमें क्या है, अपनी डिजायर जीन की आइसोलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दो जीन्स ऑप्टेन कर ली है, एक जीन ए और एक जीन बी कोडिंग फॉर पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी। तो हमारा पहला जो स्टेप है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, दैट वाज द आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन, वो हमने कहां से? ह्यूमन सेल से ऑप्टेन करा है। दूसरा अब हम क्या करेंगे? हम वेक्टर लेंगे, है ना। वेक्टर हमें लेना है, हमने ई कोलाई से प्लाज्मिड निकाल लिया है। ये प्लाज्मिड हमारा कौन सा है? PBR322 प्लाज्मिड हमने लिया है और इसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवा लिया है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा लिया तो मेरे पास वेक्टर तैयार हो गया है, मेरे पास क्या है, मेरी डिजायर जीन तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे? इनको अटैच कराएंगे। तो एक वेक्टर में मैंने क्या, कौन सी जीन डाल दी? जीन ए।
वहां पर लाइगेज की ट्रीटमेंट दी तो वहां पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर दूसरा वेक्टर लिया मैंने, उसमें भी क्या डाल दी मैंने, जीन बी डाल दी। तो मेरे पास दो वेक्टर तैयार हो गए हैं बच्चे, कंटेनिंग अ ए जीन एंड दी बी जीन कोडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी। अब ये जो प्लाज्मिड मेरा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोलेंगे, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे, कौन सा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेक्निक से, जिसमें क्या होगा लैक जेड इनएक्टिव हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज आपको कैसी दिखाई देंगी, वाइट, और जहां पर जीन ए और जीन बी नहीं इंसर्ट हुआ वो कॉलोनीज आपको कैसी दिखाई देंगी, ब्लू। तो जैसे हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया था उस टेक्निक से आप रिकॉम्बिनेंट वैक्टर को उठा लोगे, है ना, जो वाइट कॉलोनीज बनेंगी। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्टर आपने लिया, फिर आप उसको किस में भेज दोगे, ई कोलाई बैक्टीरिया में भेज दोगे। मतलब एक प्लाज्मिड मैंने एक ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, एक प्लाज्मिड कंटेनिंग बी पेप्टाइड मैंने दूसरे ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, तो प्लाज्मिड इंसर्ट हो जाएगा। फिर मैं कल्चरिंग करूंगी, मैं ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराऊंगी अपने बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर में ग्रो कराने के बाद वो क्या है, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और मैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से अपने पेप्टाइड ए को ऑप्टेन कर लूंगी एक कल्चर से, दूसरे कल्चर से मैं अपनी पेप्टाइड बी को ऑप्टेन कर लूंगी। तो ये मेरे दोनों पेप्टाइड मैंने कहाँ ग्रो करा लिए बच्चे, ई कोलाई बैक्टीरिया में, किसी और होस्ट में। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाई जाएगी। तो यहां से मैंने प्योर फॉर्म में पेप्टाइड ए ले लिया, प्योर फॉर्म में पेप्टाइड बी ले लिया, दोनों को मैंने ज्वाइन करा लिया विद हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मेरे को क्या मिल गया, मैच्योर इंसुलिन मिल गया, दैट वॉज गोइंग टू ट्रीट वेरियस डायबिटिक पेशेंट। तो आप एक छोटे से बैक्टीरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन को ग्रो कर सकते हो, इंसुलिन की प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में कर सकते हो। जबकि आप पहले जो मेथड्स हम यूज करते थे इंसुलिन की, हम किसी और एनिमल से, तो उसमें क्या है, किलिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे, और दूसरा क्या है, एनिमल को आपको किल करके निकालना पड़ा, स्लॉटर हाउसेस से आपको लेना, और दूसरी क्या मेन दिक्कत थी, एलर्जी, हमारी बॉडी उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन यहां पर जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन ऑप्टेन गई है, दैट वाज फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन, फ्री फ्रॉम दी रिजेक्शन, किसी भी तरह की रिजेक्शन उसको नहीं मिलेगी। तो पहला हमारा रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक जो प्रोटीन बनाई गई थी वो क्या थी, इंसुलिन, जो किसने बनाई थी, इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, कब, 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन मेडिसिन में देखते हैं जीन थेरेपी की। अब जीन थेरेपी का मतलब क्या है बच्चे, अगर मान लो कोई बच्चा बाय बर्थ उसकी जीन में कोई डिफेक्ट है, जैसे एक डिजीज होती है जिसमें बच्चा ठीक रूप से खड़ा नहीं हो पाता, या जैसे हमारे एक सीएसडी डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें क्या है, एडिनोसिन डाइएमिनेज एक एंजाइम क्या हो जाता है पर्सन में, इसको बनाने वाला एंजाइम की जीन्स क्या है, इनएक्टिव होगी बाय बर्थ। हेरिडिटरी डिजीज, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा किसी जीन डिफेक्ट के साथ ही पैदा हो रहा है तो उस बच्चे को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, है ना, कि कोई भी बच्चा कोई किसी भी तरह की जीन के डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहा है और वो जो जीन है मेजर रोल प्ले कर रही है उसकी बॉडी में, तो ऐसे बच्चे को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ सकता है हमें, कि हम जो उसकी जीन इनएक्टिव हो गई है उस मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, है ना, मान लो क्रोमोसोम सेकंड पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन है और जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें ये जीन एब्सेंट हो गई है किसी भी रीजन की वजह से, तो मैं क्या चाहूंगी कि बच्चे को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, कि यहां पर ये जो डिफेक्टेड जीन है इसकी जगह मैं क्या हूं, राइट टाइप ऑफ जीन इंसर्ट कर दूं, ऐसा बन जाए मेरा, तो मैं क्या करूंगी कि ये जो डिफेक्टेड जीन है इसकी जगह मैं क्या है अपनी राइट फॉर्म ऑफ जीन को इंसर्ट करा दूंगी। तो यहां पे क्या है, आप जीन
ही इंसर्ट करा रहे हो। आपने यहाँ पर जैसे हम पहले कर रहे हैं प्रोटीन, आपने ई कोलाई में ग्रो करा लिया, फिर वहां पर एक्सप्रेशन होएगा, जैसे हमने इंसुलिन की बात करी, नहीं, यहां पर आप डायरेक्ट ही जीन इंसर्ट करा रहे हो पेशेंट में। तो ये टेक्निक जिसमें आप डायरेक्ट जीन से ही डिजीज को कंट्रोल कर रहे हो, वो कंडीशन क्या कहलाती है? जीन थेरेपी। तो अगर कोई पर्सन हेरिडिटरी डिजीज से पैदा हुआ है तो जीन थेरेपी उस डिजीज को कंट्रोल करने में, ठीक करने में मदद करेगी, क्योंकि आपने डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया विद द राइट टाइप ऑफ द जीन। लिखा हुआ है देखो, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउड द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैड बीन डायग्नोज्ड इन द चाइल्ड एंड द एम्ब्रियो। हर हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इन टू ए पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट द डिजीज। हमने क्या करा, जीन को इंसर्ट करा दिया। तो हम डायरेक्ट यहां पर डीएनए से ही अपनी क्या है, डिजीज ठीक कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीन थेरेपी बोलेंगे। तो पहली जो जीन थेरेपी करी गई थी वो 1990 में करी गई थी, 4 साल की लड़की के साथ, जिसको क्या डिजीज थी कि उसके अंदर एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि इसको बनाने वाली जीन क्या थी, इनएक्टिव हो गई थी, या हम कहें एब्सेंट थी। और ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा बच्चा क्या होगा, इम्यूनिटी उसकी क्या होगी, वीक होगी, वो जल्दी बीमार होएगा। इसलिए हम टर्म क्या करते हैं, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिसऑर्डर, कि इस एक जीन डिफेक्ट की वजह से वो क्या है, उसको और तरह की बीमारियां भी लग सकती हैं। सीवियर कंबाइन वर्ड यूज करेंगे कि सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियां उसको घेर सकती हैं अगर उसका इम्यून सिस्टम ठीक रूप से काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले क्या किया गया, तो एडिनोसिन डाइएमिनेज डेफिशिएंसी के साथ बच्चा पैदा हो रहा है। इससे पहले अब मान लो कोई ये जो जीन है, इस एंजाइम को बनाने वाली जीन है, इसको हम एक तरीके से और क्योर कर सकते हैं कि अगर हम उसी के ब्रदर का जो यंग स्टेज में है उसका बोन मैरो ट्रांसफर कर दें उस बच्चे के अंदर, है ना। तो बोन मैरो क्या होगा, हर तरह के ब्लड सेल्स बनाता है, और हमें पता है हमारे कौन से ब्लड सेल हमें इम्यून सिस्टम देते हैं, लिम्फोसाइट्स, है ना। तो बोन मैरो हमारा वो एरिया है जहां पे हमारे हर तरह के ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसीज भी बनते हैं, लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं। तो लिम्फोसाइट जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हो तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, क्योंकि अब जो उसके अंदर जो सेल आ रहे हैं, अब वो जो लिम्फोसाइट्स आएंगे उसके अंदर ये वाली प्रोटीन प्रेजेंट होगी, ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होएगा। लेकिन आपको टाइम के साथ ये बोन मैरो बार बार ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चे, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो इमोर्टल नहीं होते, मतलब दे हैव स्पेसिफिक लाइफ स्पैन, वो मरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो अब उसके अपने लिम्फोसाइट्स तो कैसे हैं बच्चे, डिफेक्टिव है ना, जो नेचुरली उसकी बॉडी में बन रहे हैं उनके अंदर तो डिफेक्ट आया हुआ है इस जीन की वजह से, क्योंकि यहाँ ये जीन क्या है, डेफिशिएंट है, उसके अंदर एब्सेंट है। और अब जो हम उसको में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स ही बना पाएगा। तो आपको टाइम इंटरवल के बाद उसके अंदर वो बोन मैरो दोबारा से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जो और राइट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स बनाता रहेगा, जिसके अंदर कौन सा एंजाइम होगा, एडिनोसिन डाइएमिनेज। तो अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जो हमारा डिफेक्टेड जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट में हम क्या करें, जो ADA एडिनोसिन डाइएमिनेज को कोड करने वाली जीन है उसको विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, तो एनिमल में जीन को ट्रांसफर करने के लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, रिट्रोवायरल वेक्टर यूज करते हैं। कौन सा वेक्टर, एनिमल में। अब बच्चा क्या है, एनिमल ग्रुप को बिलोंग करता है, तो हमने उसके लिम्फोसाइट में हमने क्या कर दिया, ADA
जीन इंसर्ट करा दी, अब उसके लिम्फोसाइट में वो जीन क्या होने लग जाएगी, एक्सप्रेस होने लग जाएगी, है ना। आपको अब लिम्फोसाइट्स कैसे होंगे, जिसके पास क्या है, फंक्शनल एडीए होगा। लेकिन यहां पर भी क्या है कि पेशेंट को बार बार इन्फ्यूजन कराना पड़ेगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स के साथ। लेकिन क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर आप बोन मैरो अर्ली स्टेजेस में, मतलब ये डिजीज बिफोर बर्थ अगर डिटेक्ट हो जाती है बच्चे की, तो आप एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जब एडीए को इंट्रोड्यूस करा दोगे तो तब आपको परमानेंट क्योर मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा बच्चे कि जीन थेरेपी क्या कहती है, कि जब आप किसी एक डिफेक्टिव जीन की फंक्शनल पार्ट को इंट्रोड्यूस करा दोगे विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आपने क्या है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना दिया है, जिसके पास क्या है एडीए की जीन है, और उसको आपने किस में इंट्रोड्यूस कराया, लिम्फोसाइट्स में। अब ये लिम्फोसाइट्स आप फंक्शनल किसके लिम्फोसाइट्स लोगे, पेशेंट के ही लिम्फोसाइट लोगे। अगर आप किसी और के लिम्फोसाइट्स लोगे तो क्या होगा, वो बॉडी रिजेक्ट कर देगी, है ना। तो अगर बच्चे के ही लिम्फोसाइट्स आप ले रहे हो तो वो क्या है, टाइम के बाद इमॉर्टल हो मतलब डेथ हो जाएगी उनकी, और आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, नए लिम्फोसाइट्स डालने पड़ेंगे जिसके पास फंक्शनल एडीए होगा। ये प्रॉब्लम आफ्टर बर्थ की है, है ना। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बिफोर बर्थ ही, जब आपका बोन मैरो हाईली एक्टिव होता है, जब आपका बोन मैरो क्या हो, टोटिपोटेंट हो, वो किसी भी कंडीशन में जा सकता है, किसी भी तरह के सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, अगर उस स्टेज में आप फंक्शनल एडीए डाल दोगे लिम्फोसाइट में, तो अब जो लिम्फोसाइट्स बनेंगे बच्चे वो विद एडीए वाले बनेंगे उसकी बॉडी में, अगर ये चीज हम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कर दें। लेकिन अगर आफ्टर बर्थ करेंगे, आफ्टर बर्थ तो हमारी क्या हो चुका होता है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हो चुका है कि ये वाले सेल लिम्फोसाइट्स बनेंगे, ये वाले सेल आरबीसी बनेंगे, फिर लिम्फोसाइट्स में भी कई कैटेगरी हैं। तो बिफोर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होने से पहले ही अगर आप लिम्फोसाइट्स को रिप्लेस कर दोगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में विद अ फंक्शनल एडीए, तो आप इस डिजीज का परमानेंट क्योर कर सकते हो। नहीं तो आपको कुछ इंटरवल के बाद पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स देनी पड़ती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स की। तो जीन थेरेपी से हमें क्या पता चला बच्चे, कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं बाय सिंपली इंट्रोड्यूसिंग अ फंक्शनल जीन इंस्टेड ऑफ डिफेक्टेड जीन, कि डिफेक्टेड जीन की जगह पर हम क्या है फंक्शनल जीन इंसर्ट करा देंगे, तो हमारी क्या है नॉर्मल वर्किंग होने लग जाएगी, जैसे एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम सिंथेसाइज होने लग जाएगा अगर आप उससे स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कराओगे। अगर ये एंजाइम सिंथेसाइज होने लग गया तो आपके लिम्फोसाइट्स एक्टिव रहेंगे, लिम्फोसाइट्स एक्टिव रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहला जो जीन थेरेपी किया गया था इन 1990 कौन से डिफेक्ट के लिए, एडिनोसिन डाइएमिनेज के लिए, ठीक है। तो ये थे बच्चे हमारे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन मेडिसिन। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। थैंक यू।